guys, welcome to my YouTube channel. गाइज आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में, रितिका के व्लॉग में. सो गाइज आई नो ये व्लॉग काफी टाइम बाद में डालूंगी गाइज, सॉरी उसके लिए, बिकॉज ये जो लड़का ही कुछ करने नहीं देता है मुझे. ये 30 डेज का पता नहीं क्या इसका सिस्टम चल रहा है इसके चैनल पे, आप देख ही रहे हो. मैंने तो इसको बहुत पहले अनसब्सक्राइब कर दिया था बिकॉज मैं नहीं देखती यार इन जस्ट ओके व्लॉग्स. सो गाइज आज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए. सो गाइज व्लॉग में एंड तक बने रहना. अभी हम रील्स बनाने के लिए रुके हुए हैं एंड रील्स बनाने के बाद हम जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे, वो मैं आपको आगे वाले ब्लॉग मतलब कंटिन्यू तब देखोगे वीडियो को तब पता चलेगा ये क्या था. ठीक है गाइस, जितने जिसने ही इतना ब्लॉग देख लिया आगे मत देखना, किसी काम का नहीं है. उधर हो जा, उधर हो गाइस. एक तो ये पूरे दिन ना इतना आलस रहता है, पता नहीं आप भी हो गए इतने आलसी, जितने 24 घंटे आलस में रहता है. देखना गाइस इससे आगे मत देखना इसका ब्लॉग, इतना आलसी है मेरे को पता ही है. ऐसे ही करेगा गाइस, ये कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है. तो कितना बोलती है, बोलूंगी तेरे मुंह से बोल रही हूँ, अपने मुंह से बोल रही हूँ ना, कोई नहीं देखेगा हम लोग. तेरे कहने से तो वैसे कुछ नहीं होगा. सो गाइस आप व्लॉग में बने रहो, आपको आगे जाके पता चलेगा मैं क्या करूंगी. ठीक है सो गाइस कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया है मैंने. मैं अब क्या करूंगी, मैं अब करने वाली हूँ सिमर पर प्रैंक, जो कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए. हम लोग रील्स बना रहे थे, सिमर गया है वॉशरूम, अब मैं उसको फोर्स करूंगी कि यार हम लोग फ्रेंड्स तो काफी टाइम से हो गए, अब हम शादी कर लेते हैं. और गाइज लेट्स सी उसके क्या रिएक्शन होंगे. और मुझे नहीं पता, अभी मैं कैमरा यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, फिर आप लोगों को लगता है तो मैं ना इसको ऐसे उल्टा करके रख लूंगी, थोड़ा एंगल की प्रॉब्लम होगी तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना स्टार्टिंग में. फिर मैं एंड में व्लॉगिंग टाइम्स में बोलूंगी कि हम चलते हुए जहां हम जा रहे हैं वहां पे मुझे क्लिप लेनी है, तो मैं वहां पे ऐसे फोन लगा के तब थोड़ी सी क्लिप ले लूंगी. ठीक है गाइस, तो थोड़ा एंगल को एडजस्ट कर लेना प्लीज, क्योंकि प्रैंक थोड़े ऐसे ही होते हैं. मुझे नहीं पता आ गया, बस उसी को फोन लगा दिया गाइस मैंने. साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही हम साथ. क्यों पका रही है? तेरे को पका रही हूँ क्या? और क्या, कौन बैठा है पका ही रही है मुझे. तेरा क्या स्टार्ट हो जाता है फालतू का, फालतू को मत बोल मेरे से, मैं तुझसे कुछ बोल रही हूँ. तो 20 रुपए गाने मत गा मेरे आगे. जिस तकड़ में निकला निकल यहाँ से, चल गाड़ी से बारो दबा यहाँ से. तू निकल यहाँ से, निकालियो हिम्मत है तो निकालियो, निकल अपने यहाँ पे, शर्म है तो निकल जा जा. नहीं है, बैठी रहेगी, शर्म तो है ही नहीं. उधर फोन में मत जाग मेरे. नहीं मैं तो झाकूंगा फोन में. हाँ सूंग ले, नाके नहीं आई तू आज. ले तू तो कभी नहीं नहाता, तू सूंगी से. देख मुंह पे हाथ लगा रही है, फिर मैं लगाऊंगा, फिर तू रोएगी बता रहा हूँ. अब तू नहीं लगाया, अब तू डेड. इसमें क्या है ये बता पहले, इसमें है क्या? ये फालतू की चीज गई भाड़ में. मेरे को फाइनल डिसीजन बता, शादी कब करनी है. मैं तो कर लूंगा, तू कब करेगी? फालतू की ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग. तुझे क्या करना है मेरी शादी से? मेरे को 3 महीने बाद शादी करनी है कैसे भी. तो तू जा मर्जी का, मेरे को क्या. मैंने तो अभी टाइम, मेरे को तो टाइम लगेगा. अभी शुगर डैडी बनना है क्या? किसका क्यों बनना? शुगर डैडी एक का मैं छोटा ही हूँ. छोटा? अभी 25 30 साल का बुड्ढा होने वाला है. अपने आप को देखा है, इतना बुरा हाल हो रखा है. बुरा हाल हो रखा है, तमीज है नहीं जरा सी. कैसे कौन करेगा तेरी शादी? ये वर्ड मत यूज करियो हम यहाँ पे. ठीक है पता फाइनल. पहले थोड़ी सी ठीक हो गया. ठीक मैनर सीख क्या थोड़ी सी, फिर देखेंगे फिर कहाँ कराएंगे तेरी शादी.
मैं मजाक नहीं कर रही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो टाइम लगेगा भी यार, चार पाँच। मेरे को नहीं पता, नवंबर में करनी है। तो कर लियो तू, मैंने रोकी है। मैं तेरी मम्मी को कॉल कर रही हूँ। ले मम्मी को कॉल करके मना कर देगी। मम्मी ने क्या करना है, मम्मी कही अभी नहीं करानी हमने शादी, कर ले। बिजी क्यों रहते हैं? तुझे क्या करना है? अभी बताती हूँ, पूछ के तेरी मम्मी से। पूछ ले। क्या पूछना है तेरी मम्मी से? बताती हूँ ना। तो अभी बता दे, नहीं बताना मत बताता, बाकी तेरी मर्जी है। नहीं बताना मत बता फिर। तुझे नहीं करना? मैं 29-30 में करूँगा यार, ये देखूँगा 40-45। ठीक है फिर, मैं अपनी कहीं और कर लूंगी। और ही करनी है? ठीक है निकल फिर, मेरी गाड़ी बैठी है तो। हाँ घर छोड़ फिर फटाफट, चल। मैं तो नहीं छोड़ रहा। खत्म, बन ली वीडियो वीडियो जो तेरी। क्लियर बता रही हूँ, एक वीडियो मत डाल दी मेरे साथ अब। क्लियर बता दी तू, डाल ब्लॉक नंबर बता दी तुम्हारी। वो मेरी हेडेक नहीं है अब, 30 साल के बुड्ढे तक बना वीडियो, मैं तो बनाऊंगा। वो मेरी कोई हेडेक नहीं है, एक वीडियो ना डल जाए, बाकी मैं अपने आप देख। अभी डलेगी एक घंटे बाद, देख ले डाल ले। डाल ले बोल तो रही हूँ, डालूंगा अभी आधे घंटे या एक घंटे। मैंने कुछ कहा जो अब आधे घंटे में डालूंगा। ये मारा है, ये लगता है मेरे को लगी है, मुक्के मारे हैं मैंने। हाँ। ये मत कर बिल्कुल भी, साफ है ये एकदम, मत किया कर ये सब। सुन के देख, बदबू आती है सिर में से। मैंने तुझे क्लियर बता दिया है। क्या? क्लियर बता दिया है। हाँ तो वीडियो मत डाल दियो एक भी। नहीं डाल रहा, अपनी बनाऊंगा मैं, अपनी डालूंगा। बात समझ ले, अपनी बनाऊंगा अपनी डालूंगा। कब करनी है फिर शादी? कब करनी है शादी? मैं अपने आप देख लूंगी, उधर हो जा। तो मेरे से क्यों पूछ रही थी फिर? उधर हो जा तू। हाँ मैं अपने आप देख लूंगी। बताएगी तो शादी होगी, कोई डेट वेट क्या दे दी? नवंबर दे दिया। तो मेरे को झूठ बोला पंडित जी ने, कहा था क्या नवंबर में? अब बताएगी नहीं, फिर भी जवाब दूंगा देख ले। एटीट्यूड में बैठी रह जाएगी, ये क्या कर रही है, नाखून मार रही है। मेरे को मत छेड़, जान बुझ के मत छेड़। खुशबू दे रहा हूँ भाई, बदबू आ रही है उसमें से। चल बता। अब सोच लिया मैंने, कब तुझे बताना जरूरी नहीं समझती मैं। पहले एक बार बोलना तो सीख ले। तेरे को बताना जरूरी नहीं समझती मैं। बोल के दिखा रही है पूरी लाइन। ठीक है चल, कब कर रही है तो बता। तेरे को बताना जरूरी नहीं समझती। इसके बाद फिर बोलियो मत मेरे से कुछ भी। तेरे को बताना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, ठीक। नवंबर में? नहीं नहीं मैं सुनता मत सुन। जिसे तमीज नहीं बात करनी उससे क्या सोचेगा कोई? क्या हो गया दोस्त, ये बता तू आज मुझे, क्या चाहती है तू? चाहती क्या ये बता, ये जो हड्डी निकल रही निकाल दो इसे, बता मुझे क्या चाहती है, मुझे उसका आंसर दे, मैं तेरे को सारे आंसर दूंगा। बोल, तेरे पे 3 सेकंड है। एक, अच्छा दो, तेरे 3 सेकंड के लिए बैठी हूं मैं? नहीं मेरे 3 सेकंड के लिए नहीं बैठी तू, ठीक है? हाँ। दे दिया आंसर खत्म। अच्छा का भी था ना? अच्छा मैम, अच्छा सारे दे दिए तेरे 3 सेकंड में। कॉल आ रहा है तेरी मम्मी का, अब तेरी मम्मी से डायरेक्ट बात कर ले। मैं डरता हूँ। ले कर पकड़। क्यों कर? कर पकड़। तूने करा? कर जल्दी कर, अच्छा ही लगता कर। जब दम नहीं है तो करा। बोल फिर, मैंने करवाया था ऐसे। मैं बोल, नहीं बोलूंगा कुछ भी, बात कर। अबे बोल यार। नहीं भाई तूने करा तो तू बोल। वरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या विचार है? मेरा तो विचार है, मैंने सोच लिया है। सोच लिया तो तेरे घर वालों को बताऊंगी, अपने घर वालों को बताऊंगी। क्या बताएगी? क्या बताएगी? लेकिन तेरी मम्मी अभी बिजी थी, रुक जा कॉल आने दे, उसके बाद बताती हूँ। कॉल तो आएगा ही, फिर बताऊंगी। होता ठीक है, नहीं होता फिर आप अपने रास्ते रख लो, हम अपने रास्ते लगेंगे। मुझे ना तेरे प्लान में पहले फंसना ही नहीं चाहिए था। फंसा तो मैं यार रितिका पे, तू भी फंसी है। रत्ते का मेरा नाम मत ले तू अपने मुंह से, ढूंढी। चल ठीक है, कुमारी रितु।
मेरा नाम मत बोल तू। मेरा नाम बोल ही मत यार, मुझे तेरे मुंह से अच्छा लगता ही नहीं मेरा नाम है। ऐसा लगता है पता नहीं मेरे नाम में इतना बेकार कैसे हो। ले अब बताती हूँ तेरे को मैं। हेलो हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, हाँ बस ठीक है बेटे। आंटी वो मेरे को ना कुछ पूछना था आपसे। बताओ बेटा। सिमर मुझे ना कुछ कह रहा था। आंटी आप इसकी शादी कब करोगे? 29 या 30 को। 29 या 30 में। चल ठीक है, ओके मम्मी। ठीक है बोल भी। ठीक है तो तू अब अपने आप अपनी लाइफ जी। और मैं तो जी ही रहा हूँ। मैं तो मेरा छोड़, मैंने बोला ना मेरे को टच मत कर। तूने करा है मुझे टच रितिका। बोला मेरे में गुज्जा बोला। चाट चट चट चलते हैं इसके। चल बोल। कुछ नहीं फिर मैं अब देखती हूँ यार, मेरे को तो करनी है अभी। वैसे मैं अगले साल तक कर सकती थी पर कोई नहीं, अब मैं नवंबर तक कर लूंगी। ठीक है बुलाएगी मुझे? भूल जा, इतने बुरे दिन नहीं आए तेरे को। मैं क्या करूंगा तेरी शादी में आके, तो बता। तो मैं तेरे को बुलाऊंगी क्यों? तू तो सपने भी मत देख। सपने करे, भी करेगी कैसे शादी तेरी? मैं नहीं आऊंगा। ए यार मुंह से शादी करेगी भाई? गर्दन काट काट के जाएगी क्या तुम्हारी? ये बता मुंह से शादी कौन करता है? लग गई, सॉरी सॉरी। अच्छा मुंह खराब ना हो जाए कहीं तब तक शादी नहीं हो रही। चल बता क्या बताऊं। किससे शादी करेगी? रुक जाएगा। नहीं भाई हाथ जुड़ रहा हूँ, मुझे बख्श दो। बख्शी दो? मैं कुछ लेके नहीं आई खाने के लिए। ऐसे ऐसे खाने के लिए है भी नहीं देता। खाने के लिए नहीं, देने के लिए। तूने क्या कर रहा है ये बता, ये करके होगा क्या? ये मजा ऐसे बैठे बैठे टाइम पास कर। फाइनल है ना तेरा, नवंबर में कर लेगा? हाँ। नहीं यार ये तो मुश्किल है। तो कब तक बता दो मम्मी ने? यार 29-30 तक। अबे तू बुढ़ापे में करेगा, शुगर डैडी बनने लायक हो जाएगा तू। शुगर डैडी बन जाऊंगा, क्या दिक्कत है? किसका? सबका बन जाऊंगा शुगर डैडी। सबके होते हैं। ठीक है और बताओ। ठीक है फिर मैं अपना जैसा तू चाहेगी वैसा हो जाएगा। और बता। हाँ, मैं तो बस कर रही नवंबर में। ठीक है तू कर ले बस, फिर खुश रहो। चल फिर घर छोड़ दे मुझे फटाफट। मैं तेरा मेरा डाइफ मैं छोड़ तो नहीं पाऊंगा। छोड़नी तो तुझे पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर ले तू। कर ले जल्दी, टाइम हो गया मेरे को, जल्दी जाना है घर। अब आज से मैं अपना काम कर रही हूँ, तू अपना काम कर। जल्दी कर, जल्दी फटाफट यार। अभी तो एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा ना, ऐसे तो सोच रही हूँ। वही तेरे को 5 साल तो हो ही गए कहते कहते, अब चलो उधर। 5 साल ये दिशा कर ले यार। रितिका क्यूट है ना? बहुत बुरी है भाई। क्यूट है ना? खुद को ही लगती है तू बस। ऐसे बोल रही यार, मुझे भी अब खुद बुरी लगने लगी है यार। ये ना बहुत ये इसकी वजह से थोड़ी कह रहा हूँ, स्क्रीन की वजह से बैठ बैठ के बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। इसकी शक्ल की वजह से थोड़ी कह रहा हूँ। मेरी शक्ल ठीक है, मैं कोई ना एक्ने प्रॉब्लम बहुत सारा। अरे एक्ने की चक्कर में भी नहीं कह रहा मैं, रेडनेस बहुत आ रही है मेरे फेस पे। मुझे लगता है मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक्ने के चक्कर में भी नहीं कह रहा मैं। तो तेरी जीव नाली जैसी है, पता है मुझे यार, बता क्यों? मैंने ऐसे भी तो करा है, देख यार दांत में लग जाएगी। तेरा खुद का तो एक टूटा हुआ है, लोगों को पता नहीं है। मैं व्लॉग में बताने वाली हूँ, एक व्लॉग में पक्का तेरा में। मेरा एक दांत नकली है, मैं हॉकी की टीम का खिलाड़ी था, वो वाली लाइन मेरी। हॉकी की टीम का, हॉकी की सुनना, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी के प्लेयर का खिलाड़ी था, जो भी था। छोड़ यार, बकचोदी थी मेरे को, घर छोड़ फटाफट, घर छोड़ दी यार। बस यार सिमर कितना यार, शादी कैसे कर लेगा कोई? मत कर फिर, मैं बोलती रही हूँ यार, मेरे को छोड़ दे बस, अब नहीं हो सकता सिमर। मैं क्यों छोड़ू? अच्छा ओ लविंग जाग गया इसका, मैं क्या छोड़ू? लविंग जाग क्या? लविंग कौन है? मैं। चल यार कर लेंगे शादी अब, ठीक है नवंबर में। तेरा दिमाग तेज डील आई है नवंबर में, निकल फिर। सितंबर तो आ गया, नवंबर में शादी। अच्छा सीधा फिर कितना दहेज दोगे? 70 करोड़ रुपए चाहिए दादा ने। भीख मांगने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं, एक तो मांग रही है नवंबर में भीख चाहिए। 1 रुपए का रिश्ता, सिर्फ 1 रुपए का, सिर्फ अपने एक जोड़ी कपड़ों में आऊंगी मैं, वो भी जो मैंने दिलाए हैं। हाँ प्यारी समझ गई, बस 1 रुपया दूंगी तेरे को और कुछ नहीं। नहीं भाई मेरे को ना चाहिए 1 रुपया बस, मुझे पता है। फिर नहीं चाहिए ना, बात पे रही हो अपनी पे। 1 करोड़ चाहिए।
तू है भी ऐसी मंगता है तू एक नंबर का। तो भाई तू डिमांड में नवंबर की कर रही है, नवंबर पे कैसे हो जाएगा सब कुछ ये भी तो बता। पैसे नहीं होने तेरे पास? पैसे है, लड़की भी तो देखनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मैं दो शादी करूंगा ना कर दी ना छपरी वाली बात तू भी करेगी तो तीन कर लूंगा ताली दे इतनी बड़ी मेरे बुरे दिन नहीं आए कि मैं तेरे साथ रह के तेरे साथ रहूं वो भी दूर तेरे साथ रह के तेरे साथ ठीक है मेरे पास लाइंस की कमी होती है कोई दिक्कत नहीं है दिमाग की भी तो कमी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये इतनी बड़ी है इसमें से ले लो दिमाग में डाल ले थोड़ी जुबान मैं अपने आप देख लूंगी मुझे ठीक है यार कर लेंगे शादी ठीक है मेरे को नवंबर का फाइनल बता जल्दी मुझे 2 करोड़ का बता देगी नहीं तो फिर शादी में नहीं चल निकल फिर यहाँ से मेरी गाड़ी में मेरे घर छोड़ मेरे को तेरी गाड़ी में मेरे का बड़ा शौक है इस गाड़ी में इसी गाड़ी में बैठती है तू इसी गाड़ी में और तू शौक की बात कर रही है आज तो मेरे को बहुत मार रहा है छोड़ तू सब मारना मेरे को घर छोड़ जल्दी इसी गाड़ी में शौक घर छोड़ने से मैं नहीं यार मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी चल यार डर नहीं शादी डरना शादी बिना दहेज को ये तो पॉसिबल नहीं है देख देख कितना छतरी है तो नवंबर में फिर या तो दहेज हाँ। या तो नवंबर में शादी नहीं देख मैंने चॉइस दे दी तेरे को कुछ भी हो मेरे को नहीं पता दोनों डिमांड तो पूरी दोनों डिमांड मेरी है दोनों डिमांड मेरी है नहीं तू मेरे घर थोड़ी आ रहा है मैं तेरे घर आ रही हूँ हमने नहीं रखना भाई तू शादी के बाद घर अपने ही रहेगी ऐसी शादी करनी है यार पागल बला थोड़ी रख सकता है कोई घर में हमें खुश रहना है भाई शांति में ठीक है फिर जाओ आप निकलो घर छोड़ दो फटाफट घर क्यों छोड़ दो क्योंकि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं वीडियोस गई तेल ले रहे आज के बाद बना जा बनानी है मेरे साथ एक डल्ला जाए बाकी सब डिलीट कर दी ठीक है चल फटाफट लोग देख रहे हैं चल चले चल 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 अरे भाई मेरे को फाइनल चल छोड़ दे घर पे क्लियर है अब चल लग रही है लेकिन भाई बहुत हो गया चल जल्दी छोड़ यार तू मेरे सर में दर्द करती है रितिका सच में बे 2 महीने रहते कौन कर सकता है शादी पागल है क्या मजाक थोड़ी चल रहा है शादी कर ले 2 महीने बाद पागल है नहीं तो क्या कर लेगा मूवी थोड़ी चल रही है अभी 2 महीने में नहीं पॉसिबल यार नहीं हो पाएगा 2 महीने में यार कोई दिक्कत नहीं है मजाक मजाक होता है भाई कोई दिक्कत नहीं है मम्मी को मैसेज कर रही हूँ फटाफट जल्दी से दिमाग से पैदल है क्या यार तू अरे भाई घर छोड़ देना फिर बैठ यार सिमर बस फाइनल है मेरे को मेरे घर छोड़ ठीक है तू अपना कर एंजॉय मेरे को नवंबर में करनी है मेरा अगले साल का कोई सीन ही नहीं है चुप रह शादी करनी है दिमाग क्यों खराब कर रही है कुछ देख रही हूँ बेवकूफ है यार सच में तो रितिका बहुत डम है यार अब क्या सीन है सोच रखा मैंने क्या करना है अबे यार इरिटेट कर रही है तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता अबे यार रितिका तू अजीब बातें कर रही है यार दिमाग खराब कर दिया तो तू गाड़ी से बाहर क्यों जाता है मेरे को समझ ही नहीं आता गाड़ी से बाहर उतर के चला जा मेरा दम घुट रहा है तेरे साथ बैठ के तू घर छोड़ दे मुझे घर छोड़ दे सिमर प्लीज अबे तू पागल है क्या क्या करूं यार मैं हद्दी कर दी तूने इतनी डम हरकतें करती है सही बात है करनी तो है मुझे नवंबर में कैसे भी ओए ओए ये मत दे यार ये मत दे मेरे को पसंद हेयर फॉल हो जाएगा मुझे उधर हो जा क्या हरकतें करती रहती है यार तू ये उधर हो जा बहुत गंदा लग रहा है दूर हो जा सॉरी बोल सॉरी सो गाइस ये शादी प्रैंक हो गया डन गाइस
तो गाइस मैं इस व्लॉग को ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं वो जो नेक्स्ट व्लॉग यार एक तो गाइस जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बनाने वाली थी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत देर तक यार बहुत ड्रामे किए इसने, डम बातें करेगी तो क्या करेगी। सो गाइस इसीलिए नेक्स्ट व्लॉग को जरूर देखना, उसको भी बहुत सारा प्यार दिखाना, तब तक ये वाली वीडियो देखो और एंजॉय करो, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जल्दी से कर देना और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलना, शॉर्ट्स देखो जल्दी जाके गाइस।